तो गाइस आज लामनी में आ चुके हैं हम और गेहूं कट रहे हैं हमारे यहाँ पर देख सकते हो चारों तरफ लेमू रुक जा बस कट है देखो अभी रुक जाओ अब भी खड़े है वो भैया भी खड़े है बोले मम्मी बोली कुछ अरे वीडियो जब बनानी है हमारी वीडियो बन रही है खेत में पापा ऐसे काटे बैठ के मम्मी छो सी में आ रही है पूरी छो में आ रही है पता एक बार सुनो आते कह जाने आज एक दिन में काट देंगे तो पूरा यही हंत तक बुरी हालत हो जावे उनमें ले दीपक लिख रहा है यहाँ पे भी दरांत पे भी दीपक लिख रहा है दरांत पे ए अपने ब्रांड तो दिख ही ना रहे हो दीपक रे हाँ अब दिख गो दिखो थोड़ो तो चल कोई ना अब मैं काट लूँ जब भी बाद में बनाऊंगा वीडियो तो दोस्तों अब हम बैठ चुके हैं अभी रेस्ट ले रहे हैं थोड़ा सा और अभी हर्ष भी आ गया है यहाँ पर और ये तीनों यहाँ पर हैं हम तीनों मतलब और रेस्ट ले रहे हैं अरे मम्मी 2-5 मिनट रुक जाओ अभी बहुत देर हो गई है काटते काटते और नींद सी भी आ रही है पेड़ के नीचे मज़ा आ रहा होगा तो सीरक है रही है बाहर धूप पड़ रही है यहाँ पे सीरक हो रही है और भाई बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है अभी रेस्ट पे अभी रेस्ट के बाद जब वीडियो बनाएंगे तो दोस्तों अब हम जा रहे हैं अपने रिक्शा के पास और परवा में थी हाल है नहीं मैं चल पल्ली लेने तो दोस्तों अब आ चुके हैं हम अपने घर पर और अब मतलब कटाई चल रही है ना मतलब वो गेहूं की कटाई चल रही है तो वहाँ से आए हैं और गेहूं बहुत डिफिकल्ट मतलब वो है काम भी गेहूं काटना एक मतलब पर क्या करें मजबूरी है हमें भी करना है कुछ और फिर खाने के लिए भी तो करना है और अब हम घर पर आ गए और भाई ये रही हमारी दीदी और ये अभी बर्तन मांज रही है बर्तनों को और ये रही तन्नो अनुज तो अभी अगर आपको सॉरी इसके लिए क्योंकि आपको गेहूं वाली कटाई तो दिखाई नहीं थी पर अब अगले दिन आपको ज़रूर से ज़रूर दिखाएंगे और जब भी मिलेंगे खेत में तो दोस्तों अब सुबह हो चुकी है और अब जाएंगे हम गेहूँ मतलब कटाई करने और गेहूं की तो अब खेत को दिखाएंगे और खेत में चलकर खूब मौज मस्ती करेंगे अभी हम घर पर हैं और घर पर अभी चाय दूध मतलब नाश्ता करके जब जाएंगे और आपको दिखाएंगे और खूब मस्ती होगी उसमें तो जब देखना दोस्तों अब आ चुके हैं अपने खेत पर और अब करेंगे उनकी कटाई और हमारे मम्मी लग रही हैं दोनों और पापा ड्राइवर है तुम्हें पता तो है तुम लेके आए हमें चलो चलो जल्दी चलो अब पापा हमें एक साइड ले चलेंगे हाँ चलो तो अंकल ले करना पड़ेगा अंकल नीचे खेत में धसने के लिए यहाँ थे क्योंकि यहाँ तार ऊंचे ऊंचे से है ना तो चल दस जा भैया दस बस और ये हमारा खाना पीना रखो यहाँ पे ये रखो
तो दोस्तों अब दरांत ले लिया है हमने और अब कटाई के लिए जा रहे हैं। तो अब इधर से काटेंगे, इधर से तू भी ले ले, ले बोल कुछ ले, इधर लेंगे वहां से लेंगे, आ जाओ। अभी देख लो ऐसे हमारे यहाँ गांव में ऐसे गेहूं में और ऐसे कटाई हुआ है, देख लो ऐसे हमारे यहाँ पर कटाई होती है और गेहूं की। और ये तो वही वाली बात होगी, तुम क्या जानो एक बाल की कीमत शहरी बाबू, तो कहाँ से लगेंगे, काटेंगे भी अब। अच्छा मतलब यार यही लाइन पे चलते रहे, मैं आंते लाऊं। तू अंत लगे को ठीक है, हमें आसर का रहे हैं तो मैं आसर का आओ। तो भैया आप कटाई हो रही है चालू, तो भैया आप कर रहे हैं चालू हो। तो भाई ऐसे कटाई होती है हमारे यहाँ पर हमारे गांव में, और शहरों शहर वालों को तो पता ही नहीं होगा, पता वो क्या जाने एक बाल की कीमत शहरी बाबू। सही डायलॉग मारो ना। तो गाइस अब आ चुके हैं हम घर पर, और घर पर क्योंकि वहाँ पर थोड़ी सी कटाई बच रही थी तो वो पूरा कर दिया हमने, वो पूरा खेत काट दिया है। और खेत काटने के बाद अब घर पर आ गए, तो घर पर आने के बाद अब हम ये विशाल तो नहा रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर ये मशीन चल रही है, और भाई अब हम भी नहाने के लिए जा रहे थे पर हमने सोचा कि अब एंड का ब्लॉग तो बनाए थे और अब एंड का ब्लॉग है, और फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।